हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि समोसा एवं कचौरी की हम लोग शॉप कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी कि उसका दुकान हम लोग कैसे शुरू करेंगे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वो बिजनेस में हम लोग का कितना ज़्यादा स्कोप है और वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसमें हम लोग का अच्छा कमाई होगा या फिर नहीं होगा। तो कोई भी बिजनेस में इनकम करने के लिए उस बिजनेस का चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि समोसा कचौरी का बिजनेस हम लोग का चलेगा या फिर नहीं। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर बड़े हो, कोई भी हो, सबके आप फेवरेट रहता है कचौरी समोसा, सबको पसंद होता है खाना, ठीक है। यह सुबह शाम का एक स्वादिष्ट नाश्ता है और लोग इसको चलते फिरते भी लोग खा लेते हैं। कई बार ऑफिस जाते वक्त या फिर कोई भी काम में जाते वक्त थोड़ा बहुत भूख लगता है तो लोग सड़क पर रुक कर दुकान में जाके समोसा कचौरी खा लेते हैं। तो इसी बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग का स्कोप है, इससे अच्छी हम लोग कमाई कर सकते हैं और यह बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि समोसा कचौरी के ऐसा बिजनेस है जो कि कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि एक समोसा कचौरी की शॉप हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा सामान चाहिए इसके लिए, किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना होगा, कोई लाइसेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए शुरुआत में, लोगों को हम अपने दुकान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा समोसा या कचौरी का सेल्स बढ़े, और इस बिजनेस में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और इससे कमाई कितना होगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर आते रहते हैं। स्टेप नंबर वन, तो अगर आप समोसा कचौरी की शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो आपको समोसा या कचौरी बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आप कैसे इस दुकान को चलाइएगा। तो एक काम और कर सकते हैं, आप किसी कारीगर को रख सकते हैं अपनी दुकान में, मतलब अपने दुकान में किसी कारीगर को हायर कर सकते हैं जो आपका अच्छे प्रकार से समोसा या कचौरी बना के आपको बेचने के लिए दे दे, और आप इससे बेच के अच्छा पैसा कमा सकें। ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि उसको अच्छे प्रकार से बनाना आना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत अच्छा प्रकार से सीख लिया है तो, ऐसा नहीं। उसको बहुत ही टेस्टी समोसे एवं कचौरी और उसका साथ जो चटनी और सब्जी खाया जाता है वो काफ़ी टेस्टी बनना चाहिए, ठीक है, तभी लोग आप तक आएंगे, नहीं तो भला क्यों आएंगे, दूसरे दुकान भी तो जा सकते हैं। स्टेप नंबर टू, जब आप कारीगर एक हायर कर लेते हो कि मेरे दुकान में आप आइए काम करने के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसा लोकेशन चूज़ करना है जहाँ पर ज़्यादातर भीड़ भाड़ लगे, जैसे कि मार्केट हो सकता है, कोई फेमस प्लेस आपके एरिया में हो तो वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। गांव में भी चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, गांव में भी ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है, क्योंकि समोसा कचौरी हर जगह फेमस है। उसके बाद आप स्कूल कॉलेज के सामने भी खोल सकते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने खोल सकते हैं, बस स्टेशन के किनारे खोल सकते हैं, कोई फेमस पार्क के किनारे भी आप चाहें तो समोसा कचौरी की दुकान शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चलेगा। स्टेप नंबर थ्री, तो जहां पर भी आपने लोकेशन देखा है वहां पर आपको अब एक रूम लेना होगा, ठीक है। रूम लेने के साथ ही रूम का जो है एग्रीमेंट आप करवा लीजिएगा मकान मालिक से, और इसके साथ ही आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर बिजली का फैसिलिटी है या फिर नहीं है, यानी कि आपके रूम में बिजली आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर बिजली रहेगा तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो गर्मी लगेगा तो काम ठीक से होगा नहीं। स्टेप नंबर फोर, अब हम लोग सामान की बात कर लेते हैं कि समोसा कचौरी की दुकान में हम लोग को कौन कौन सा सामान लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको बर्तन लगेगा, जो भी बर्तन यूज़ होता है समोसा और कचौरी बनाने में, जैसे कि कढ़ाई हो गया, गमला हो गया, छलनी हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे बर्तन लगते हैं। तो अपने किसी मार्केट के दुकान में आप जाके ये सब देख सकते हैं कि कौन कौन सा बर्तन वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसके साथ ही आपको दुकान के लिए बहुत सारा सामान चाहिए, जैसे कि चाकू हो गया, टेबल, कुर्सी, लाइट बल्ब, पंखा, डस्टबिन, और एक भट्टी भी आपको चाहिए होगा जिसमें आप कोयला डाल के आग जलाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप ले लीजिए, और अपने आवश्यकता के अनुसार और भी सामान आप ले सकते हैं अपने दुकान में। स्टेप नंबर फाइव, इस बिजनेस में कोई लाइसेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो शुरुआत अगर कर रहे हैं छोटे स्तर से आप, तो आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत अच्छे पैसे इससे कमा लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस ले लेना चाहिए, जो कि है FSSAI का लाइसेंस, फूड लाइसेंस होता है, ठीक है। इससे आपके दुकान पर कोई जल्दी मुसीबत नहीं आएगा, छोटा मोटा जो दिक्कत होता है वो सब आपकी दुकान के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक लाइसेंस हो सके तो ले लीजिए FSSAI का लाइसेंस, और शुरुआत अगर छोटे स्तर से कर रहे तो फिर इसका आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। और आपको अपनी दुकान में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बताया था कि एक डस्टबिन आपको चाहिए, और हमेशा आप जो सुबह शाम झाड़ू भी मार सकते हैं अपनी दुकान में, ताकि थोड़ा साफ सफाई रहेगा तो लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे आपकी दुकान की ओर। और एक बात कि आपको ऑनलाइन पेमेंट अब रखना होगा अपनी दुकान में, ठीक है, क्योंकि अब हर दुकान में ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा आने लगा है, तो आपको भी अपने दुकान में ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा लाना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने दुकान को आप गूगल मैप पर लिस्ट भी करवा सकते हैं, कोई अच्छा सा नाम देके अपने दुकान का गूगल मैप पर लिस्ट करवा दीजिए। अब आपको रॉ मटेरियल चाहिए समोसा और कचौरी बनाने का,
तो इसमें मैदा, तेल इत्यादि सामान जो है वो सब आ जाता है, ठीक। और इसमें कोयला भी आता है, तो कोयला आप किसी होलसेलर को देख लीजिएगा जो कोयला सस्ते दामों में आपको प्रोवाइड कर दे, और किसी किराने स्टोर से आप बाकी का सामान ले सकते हैं। मैदा, तेल, मसाले, आलू, ये सब आप किसी मार्केट से में किसी दुकान से भी ले सकते हैं जो कि आपको सस्ता दाम में दे दे, उनसे आप ले लीजिए। स्टेप नंबर 7, तो समोसा कचौरी का आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ समोसा कचौरी ही आपको उसमें नहीं बेचना है, उसमें आप मिठाई भी बेच सकते हैं, जलेबी बेच सकते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाई बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिठाई आप वहीं पर बनाएं, किसी होलसेलर से कॉन्टैक्ट करके आप मिठाई अलग से मंगवा सकते हैं और वहाँ पर रख के बेच सकते हैं। इससे भी आपका एक अलग से इनकम जनरेट होगा। और समोसा कचौरी परोसने के लिए आपको उसमें सब्जी, जैसे कि आप छोले का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोले का सब्जी का, या फिर चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके साथ देने के लिए कुछ रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पैकिंग का सुविधा भी अपनी दुकान में रखना होगा ताकि कोई अगर ज़्यादा समोसे या फिर कचौरी ले जाना चाहे बाहर तो वो ले जा सके पैकिंग करके, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो दुकान का सामान में आपको 5,000 लग जाएगा, और समोसा बनाने के लिए जो सामान लगता है उसमें करीब आपको 2,000 लग जाएगा, ठीक है। और जब जो शॉप आप किराए पर ले रहे हैं, जो दुकान रूम, ठीक है, और बिजली उसके साथ ही, तो ये सब जो आप किराए पर ले रहे हैं इसका करीब 3,000 रुपया आपको लग जाएगा। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, हर शहर का अलग अलग होता है, इससे ज़्यादा भी आपका लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अप्रोक्स देखें तो हम लोग 10,000 टोटल इस बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10 से 15,000 अगर आप रखते हैं इस बिजनेस में तो ये बिजनेस आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कमाई की। तो इधर हम लोग की इधर अगर समोसा का प्राइस देखा जाए तो 7 रुपये के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े शहरों में आप देखेंगे तो वहाँ पर 10 रुपये एक समोसा का, तो 2 समोसा का कितना हो जाता है, 20 रुपये, ठीक है। तो एक प्लेट में 2 समोसा लोग खाते ही हैं जनरली, एक समोसा कोई भी लेके जल्दी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो 2 समोसा का प्राइस कितना आप रख सकते हैं, 20 रुपये। 2 समोसा खाएं या फिर 2 कचौरी खाएं, उसका प्राइस आप 20 रुपये रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 प्लेट बेच दिया एक दिन में, और 2 समोसा बनाने का कॉस्ट आपको हर चीज़ मिला के लगभग 10 रुपये आएगा, 8 से 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये हम लोग मान लेते हैं, तो 10 रुपये में आपने समोसा एक प्लेट बना के रेडी कर दिया और उसको बेचा तो 20 रुपये में, मतलब कि आपको आधा का प्रॉफिट हो गया। तो 100 प्लेट अगर आप समोसा दिन में बेच लेते हैं या फिर कचौरी 100 प्लेट ही बेच लेते हैं तो आप एक दिन का 1,000 रुपये कमा सकते हैं इससे। वहीं अगर मंथली का जोड़ लें इससे तो 30,000 आपका मंथली इनकम हो जाएगा इससे, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा बेचते हैं तो आपका इनकम भी बहुत ही ज़्यादा होगा, तो अच्छा खासा इनकम है इस बिजनेस में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो इस बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई और बिजनेस से रिलेटेड, वो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आप विदा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।